हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड मूवीज। तो आज हम बात करेंगे फोन के बारे में, जिसे हम डील भी बोलते हैं, जो अक्सर पैरों के नीचे कई लोगों को हो जाती है, पैरों के नीचे भी हो जाती है, हाथों पर भी हो जाती है, और अपना जैसे जॉइंट पर भी हो जाती है। तो उसको कैसे निकालें, उसको निकालने का क्या तरीका है। कई लोग कोन कैप लगाते हैं, मगर लोगों को ये नहीं पता कि कोन कैप कैसे लगानी है, उसका यूज कैसे करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोन कैप को लगाने का सही तरीका क्या है। तो कृपया करके वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि मेरे पास कोन कैप है, ठीक है, तो इसको कैसे लगाया जाए, सही तरीका क्या है लगाने, क्योंकि कई लोग लगाते हैं, कई लोगों को पता नहीं है कि कैसे लगाते हैं, कितनी देर तक लगा के रखनी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। जैसे ये कोन कैप है, इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर ना चार पीस निकलते हैं, चार पीस आप निकाल सकते लगाने होते हैं आपको डे बाई डे। तो मैं आज आपको बताता हूँ कैसे लगती है ये। जैसे कि ये कोन कैप है, ठीक है, इसका जो ये राउंड वाला जो शेप है ना, ये राउंड वाली शेप मेन चीज़ यही है, दवाई इसी में लगी होती है जो कोन को बाहर निकालती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें वाइट वाइट ये दवाई लगी हुई है। अब इस वाले पार्ट को क्या करना होता है, कोन के ऊपर लगाना होता है, जहां भी आपके कोन हो रही है, डील हो रही है वहां पे। बात ये है कि लगाते कैसे हैं, किस तरीके से लगाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो कहीं किसी के डील हो रही है, उस पार्ट को पहले हल्के गर्म पानी से साफ करना है आपको, ठीक है। हल्के गर्म पानी से साफ करके उसके बाद उसको ड्राई करके सुखाकर उसके बाद ये गोल वाले हिस्से को उसके ऊपर लगाना है और लगा के छोड़ देना है। अब लगा के तो छोड़ दिया, कितनी देर तक छोड़ना है ये भी एक सवाल बनता है लोगों के। तो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में ये लगाई, साफ करके अच्छे से लगा दी, पूरी रात भर मॉर्निंग से लेके पूरी रात तक आपको लगी रहने दी है। अगले मॉर्निंग आपको इस डील को हटाना है, पूरे 12 से 24 घंटे तक लगी रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग इसको हटाना है, हटा के जहाँ पे कोन है आपको उस पार्ट को गर्म पानी से दोबारा से साफ करना है, हल्के हल्के साफ करने के बाद अपनी फिंगर से हल्के हाथ से उस पार्ट को ऐसे ऐसे मलना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी कोन है वो अपना जगह बनाएगी उसको निकलने का। उससे क्या होगा, थोड़ी रिदम टाइप्स की हो जाती है, जो कोन धीरे धीरे ऊपर आती है, जिसे कहते हैं ना थोड़ा रगड़ा सा लगेगा तो वो धीरे धीरे ऊपर आएगी। तो हल्के हाथ से करना है, ज्यादा टाइट नहीं करना, ना तो पेन भी होगा, दर्द भी होगा, हार्मफुल आपको बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से करके छोड़ देना है। उसके बाद उसको गर्म पानी से दोबारा से साफ करके फिर आपको एक कोन लगा देना है। कोन लगाने के बाद जब आप सेकंड कोन लगाओगे, तो सेकंड कोन को लगाने के बाद आपको उसी रात दिन जब आप मॉर्निंग में लगाओगे, तो उसी दिन के रात में आपको फिर से कोन को निकाल देना है, फिर पार्ट को साफ करके फिर आपको कोन लगानी है। तो ये आप जब ये चार कोन का पैकेट होता है, ये चार कोन आप इस तरीके से अगर लगाओगे तो आपकी कोन बाहर आ जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोन को कैसे लगाना है। कभी कभार क्या होता है, कईयों की कोन काफ़ी अंदर होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अपने तरीके से उसको सीजरन तरीके से निकालते हैं, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, वो निकल जाती है 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई होप आप वीडियो को समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी मैं अच्छी और वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी नॉलेज को कुछ मैं बढ़ा सकूं। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।